चूचू करती आई चिड़िया भाग दो। जैसी जरूरतें वैसे शरीर के अंग। पिछले वीडियो में हमने जाना चिड़िया और उनके घोंसलों के बारे में। प्रस्तावना: इस वीडियो में हम जानेंगे पक्षियों के पंजों यानी फीट और चोंच यानी बीक के इस्तेमाल के बारे में, और ये भी देखेंगे कि अन्य जानवरों के दांत यानी टीथ किस प्रकार के होते हैं। जिया नाना जी से पक्षियों और उनके घोंसलों के बारे में जानकर बहुत खुश है। जिया का पक्षियों के बारे में और जानने का बहुत मन है, इसलिए जिया मम्मी की दी हुई एक किताब को अपने टेबल पर बैठकर पढ़ रही है। अरे बुबू, ये किताब तो बहुत अच्छी है। इसमें पक्षियों के बारे में कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। जिया अपनी किताब पढ़ने लगती है और उसे कुछ पक्षियों के पंजों की तस्वीरें दिखती है। क्या तुम पक्षियों के इन पंजों की तस्वीरों को देखकर बता सकते हो कि वो किस तरह से इनका इस्तेमाल करते होंगे? इस पंजे को देखकर बताओ, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? जवाब: ये पंजे तैरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पंजे की इस तस्वीर को देखकर क्या तुम बता सकते हो पक्षी इनकी मदद से क्या करते हैं? जवाब: इनकी मदद से पक्षी टहनियां पकड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है, इन नुकीले पंजों से पक्षी क्या करते होंगे? जवाब: इन नुकीले पंजों से पक्षी अपना शिकार पकड़ते हैं। इस नुकीले पंजे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये किस लिए इस्तेमाल होते होंगे? जवाब: इसका इस्तेमाल पेड़ पर चढ़ने के लिए होता है। क्या तुम्हें पता है ये लंबे पंजे कैसे पक्षियों की मदद करते हैं? जवाब: ये पंजे जमीन पर चलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पक्षियों के पंजे कितने अलग अलग हैं, है ना बुबू? पंजों के बारे में पढ़ने के बाद जिया अब किताब के अगले पन्ने पर पक्षियों की चोंच की तस्वीरें देखने लगती है। पक्षियों की चोंच की इन तस्वीरों को देखकर क्या तुम इनके इस्तेमाल के बारे में कुछ बता सकते हो? इस चोंच की तस्वीर को देखकर तुम्हें क्या लगता है, ऐसी चोंच से पक्षी क्या करते होंगे? जवाब: इससे वो मांस चीरते हैं। इस नुकीली चोंच को पक्षी किस प्रकार इस्तेमाल करते होंगे? जवाब: लकड़ी में छेद करने के लिए। ऐसी चोंच से पक्षी क्या करते होंगे? जवाब: फूलों से रस चूसकर निकालते हैं। तुम्हें क्या लगता है, इतनी लंबी चोंच से पक्षी क्या करते होंगे? जवाब: कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालते हैं। इस चोंच के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, इसकी मदद से पक्षी क्या करते होंगे? जवाब: बीजों को दबाकर तोड़ते हैं। इस चोंच का इस्तेमाल पक्षी किस लिए करते होंगे? जवाब: काटने के लिए। जिया ने पक्षियों की चोंच के बारे में पढ़ना खत्म ही किया होता है कि तभी नाना जी उसके कमरे में आते हैं। अरे जिया, तुम क्या पढ़ रही हो? मैं तो पक्षियों के बारे में पढ़ रही हूँ नाना जी। मैंने जाना कि उनके अलग अलग तरह के पंजे और अलग अलग तरह के चोंच होते हैं। बहुत अच्छे जिया। पर नाना जी, क्या पक्षियों के दांत होते हैं जैसे मेरे और बोबो के हैं?
ज्यादातर पक्षियों के तो दांत नहीं होते हैं जिया, और वैसे भी सारे प्राणियों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे तुम्हारे दांत बोबो से अलग है, उसी तरह। बोबो के दांत तो काफी नुकीले हैं नाना जी। हाँ बिल्कुल सही कहा जिया, बोबो के दांत उसके जरूरतों के हिसाब से हैं। कुत्तों के दांत नुकीले हैं ताकि वो मांस को चीरकर खा सके। अच्छा तो फिर बिल्ली के दांत कैसे होती हैं नाना जी? तुम्हें क्या लगता है बिल्ली के दांत कैसे होंगे? बिल्ली के दांत भी नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अच्छा। और बिल्ली के दांतों की तरह सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वो अपने शिकार को चबाते नहीं हैं, बल्कि निगल जाते हैं। सांप के खाने का तरीका तो बहुत अलग है। क्या गाय भी ऐसे ही खाती हैं? उनके दांत कैसे होते हैं? नहीं जिया, गाय तो चबाकर खाना खाती है। उनके आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और उनके पीछे के दांत बड़े और चपटे होते हैं घास चबाने के लिए। और हमारे बगीचे में जो गिलहरी है उसके दांत कैसे होते हैं? क्या तुम्हें पता है गिलहरी के दांत कैसे होते हैं? गिलहरी के दांत तो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। अरे वाह, अगर हमारे दांत भी हमेशा बढ़ते तब तो वो हमसे भी ज्यादा लंबे हो जाते। ये तो बहुत मजेदार बात कही तुमने। चाहे हमारे दांत बढ़े या ना बढ़े, हमें अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए और रोज अच्छे से ब्रश करना चाहिए। जी नाना जी। वरना क्या होगा जिया? क्या नाना जी? वरना नाना जी की लाई हुई चॉकलेट्स तुम नहीं खा पाओगी। जिया, बोबो और नाना जी सब जोर से हंसने लगते हैं। सारांश, इस वीडियो में हमने जाना पक्षियों के पंजों और चोंच के इस्तेमाल के बारे में, और ये भी देखा कि अन्य जानवरों के दांत किस प्रकार के होते हैं।